हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशन एक्ट 1963। लिमिटेशन एक्ट मतलब क्या है? लिमिटेशन एक्ट एक लिमिटेड पीरियड है जो आपको दिया जाता है कि आप उस लिमिटेड पीरियड में कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी सिविल केस है उसके लिए एक लिमिटेड पीरियड दिया गया है। लिमिटेशन एक्ट सबसे पहले एक जनरल लॉ है, ठीक है। अगर कोई भी लिमिटेड पीरियड दिया हुआ है किसी स्पेसिफिक एक्ट में, तो आप स्पेसिफिक एक्ट को फॉलो करेंगे, ना कि लिमिटेशन एक्ट को। लिमिटेशन मतलब कि जैसे लिमिटेशन एक्ट में मैक्सिमम जगह 3 ईयर्स दिया हुआ है, तो एक लिमिटेड पीरियड तक ही आप जाके केस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक सूट फाइल करना है चोरी का, तो आप 3 साल है आपके पास, आप विदिन 3 ईयर्स आप जाके सूट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आप सूट फाइल नहीं कर सकते। लिमिटेशन एक्ट 1963 इसलिए लाया गया क्योंकि अगर लिमिटेशन एक्ट नहीं होगा तो लोग 10 साल बाद 20 साल बाद जाके केस फाइल करेंगे, और कोर्ट में ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और हो सकता है 10 साल बाद 20 साल बाद वो बंदा ही ना हो, ठीक है, जिसने गलती की, या फिर और ऐसे में बहुत सारे केसेस हो जाएंगे कोर्ट में, ठीक है। एविडेंस नहीं मिल पाएगा प्रॉपर, आप कोई चीज़ ढूंढ नहीं पाओगे उससे रिलेटेड। प्लेंटी ऑफ डिफेंडेंट कौन है समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है, ज़्यादा। इसलिए लिमिटेशन एक्ट लाया गया। ये एक्ट एक जनरल लॉ है, ये बोलता है कि आप एक लिमिटेड पीरियड तक ही आप सूट फाइल कर सकते हो, ठीक है। इसकी एक मैगजीन भी है, जैसे विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मेंटिबस, मतलब द लॉ एड्स टू द डेलिजेंट एंड नॉट द इंडोलेंट। मतलब ये बोलता है कि ये लॉ उन लोगों के लिए है जो कि जागरूक हैं, ना कि जो लोग सोए हुए हैं। जो लोग जाग रहे हैं उनको पता है कि आपको विद इन स्पेसिफिक टाइम में, जो आपके स्पेसिफिक एक्ट में दिया है वो टाइम, या फिर लिमिटेशन एक्ट जो जनरल लॉ है उसमें दिया है वो टाइम, उस पर जाके आपको सूट फाइल करना है। अगर आप सूट फाइल नहीं करते हैं तो अपना राइट खो बैठेंगे सूट करने का। लेकिन आपको आपसे ये राइट छीना जा सकता है सिर्फ सूट करने का लिमिटेशन पीरियड के बाद, लेकिन आपका राइट उससे पैसे मांगने का या फिर उसको जलील करने का, ये राइट आपसे नहीं छीना जा सकता। जैसा कि इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, जो मैगजीन तो अपन पढ़ चुके, फिर थर्ड पॉइंट लिखा है, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में छोड़ के होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। फिर लिखा है कि एक बार अगर पीरियड एक्सपायर हो जाए तो कोई वो पर्सन अलाउड नहीं है सूट फाइल करने के लिए। फिर लॉ ऑफ लिमिटेशन, जैसे लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ लिमिटेशन बार्स रेमेडी वंस टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द सूट इज़ ओवर, बट इट डज नॉट एक्सटिंग्विश राइट। मतलब ये आपका राइट नहीं छीनता कि आप उससे जाके पैसे लो, आप उससे जाके रिडर्सल लो अपना, जैसे आपकी प्रॉपर्टी किसी ने सीज कर ली। ये आपका टाइम चला गया सूट करने का, तो आप उस सूट नहीं कर सकते, लेकिन वो आपका राइट नहीं छीनता कि आप उससे वापस प्रॉपर्टी मांगो ही ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी से पैसे लिए, अब बी 3 साल बाद जा रहा है कोर्ट पास, कोर्ट ने तो मना कर दिया, लेकिन यहाँ पास बी के पास राइट तो है कि वो उससे पैसे वापस ले सकता है, उसे जलील कर सकता है। ये बी के पास राइट है, वो राइट आपसे नहीं छीना जा सकता लिमिटेशन एक्ट में। फिर लिखा है, फिर सेकंड पॉइंट है, बार ऑन लिमिटेशन और टाइम बार्ड सेक्शन 3, 4 एंड 5। सेक्शन 3, 4 और 5 पर सबसे पहले दी हुई है डेफिनेशन फर्स्ट पॉइंट पे लिमिटेशन पीरियड क्या होता है। एवरी सूट अपील और एप्लीकेशन शैल बी मेड विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम नोन एज लिमिटेशन पीरियड। फिर सेकेंड पॉइंट लिखा है, वंस द टाइम इज़ ओवर कोर्ट शैल नॉट प्रोसीड सच सूट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन कुछ एक्सेप्शन जैसे 3 साल था, और जैसे ही 3 साल ख़त्म हुआ उसके लास्ट डे पे बंदा जा रहा था, लेकिन उस दिन संडे था, या फिर कुछ ऐसा हो गया जैसे नेशनल हॉलीडे थी 2 अक्टूबर, ठीक है, तो अब वो बंदा उस डेट को जाके कोर्ट में तो सूट नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास टाइम तो था, वो जा तो रहा था, तो ऐसे में उसके आने वाला नेक्स्ट डे एक्सटेंड कर दिया जाएगा लिमिटेशन एक्ट में। वैसे ही और सफिशिएंट रीज़न है, जैसे सीरियस इलनेस हो गई उसको, बहुत ज़्यादा बीमार था, 3 साल तक नहीं जा पाया, वो खुद ही जेल में था। सेकेंड पॉइंट का सेकेंड पॉइंट है कि वो खुद ही जेल में था। मिस्टेकन व्यू ऑफ लॉ, फॉर एग्जांपल, लिमिटेड पीरियड था 30 डेज और एडवोकेट ने बता दिया 45 डेज, लॉ पढ़ने में दिक्कत हो गई। तो कोई भी ऐसा आप सफिशिएंट रीज़न बताते हैं जो कि माना जाएगा, कोर्ट के सामने रखा जाएगा और कोर्ट उसे मान लेगा, एडमिसिएबल है, तो उसे उस जो लिमिटेशन एक्ट का जो पीरियड है उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा कुछ एक्सटेंड तक, अगर आप सफिशिएंट कॉज दिखाते हैं तो। फिर थर्ड पॉइंट में लिखा है, बर्डन टू प्रूव सफिशिएंट कॉज किसका है? पार्टी अप्लाइंग टू द कोर्ट, ठीक है, पार्टी जो अपील कर रही है कोर्ट पे, उसका बर्डन है कि वो प्रूव करे कि मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हो गई थी जिसके कारण मैं कोर्ट में अपील नहीं कर पाया विद इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। फिर है, द अबव डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज किस पे एप्लीकेबल नहीं है? सबसे पहले सूट पे एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप फर्स्ट टाइम सूट करने जा रहे हो, आपके पास 3 साल है, आप 3 साल तक नहीं गए,
तो कोर्ट तो ये बहुत रेयर केस होगा कि आप 3 साल तक कहाँ थे, अब क्या हो गया था, 3 साल कोमा में चले गए थे, ये कुछ रेयर केसेस हैं, ठीक है। वहाँ भी एडमिसिबल है लेकिन रेयरली नहीं दिया जाता, ठीक है। या फिर CPC 1908 में, ठीक है, चैप्टर ए ऑर्डर नंबर 21 पे, ठीक है। ये दो चीज़ याद करने लायक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। और कोई भी क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल के पास कोई पावर नहीं है कि टाइम को आप टाइम को वो आपके एक्सटेंड कर दे, अगर रीजनेबल कॉज है तो ही एक्सटेंड होगा टाइम। फिर सेक्शन 6, 7 और 8 क्या लिखा है, पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी। यहाँ ये बोलता है सेक्शन 6 में कि कोई भी पर्सन अगर डिसेबल है, अब वो डिसेबल है, उसका पैर टूट गया है, ठीक है, उसको पैरालिसिस हो गया, अब वो जा तो नहीं सकता और उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव जाएगा नहीं, क्योंकि प्लेंट किसको फाइल करनी है। यहाँ एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पर प्लेंट होती है, कंप्लेंट, प्लेंट कोई भी आप बोल सकते हैं। जैसे अपने CPC सिविल प्रोसीजर कोड में आप प्लेंट बोलते हैं, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आप कंप्लेंट बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे डिसेबिलिटी है, अगर किसी पर्सन को डिसेबिलिटी है तो वो लास्ट डे में, तो अब वो जा तो सकता नहीं है, तो अगर उसको लास्ट डे तक डिसेबिलिटी रहती है, वो लास्ट 3 ईयर, जैसे फॉर एग्जांपल 3 ईयर्स था और 3 ईयर्स एंड होने के लास्ट डे तक उसको अगर डिसेबिलिटी है तो उसका टाइम एक्सटेंड कर दिया जाएगा, कब, जब से वो ठीक होगा तब से, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट लिखा है वही है कि अगर उसको 2 से ज़्यादा डिसेबिलिटी, जब उसकी सारी डिसेबिलिटीज़ खत्म हो जाएंगी उसके बाद से पीरियड स्टार्ट होगा, अगर उसकी डेथ तक उसकी डिसेबिलिटी रहती है तो लास्ट में उसका, उसकी डेथ के बाद उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव सूट। फिर है सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या बोलता है, वेयर वेयर वंस टाइम हैज़ बिगन। देखो सेक्शन 9 क्या बोलता है, कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक डिसेबिलिटी थी, आपको टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया, फिर जैसे ही आप जा रहे थे आप वापस, आपको मतलब किसी को वापस से पैरालिसिस हो गया, तो जो आपकी जो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी है उसको काउंट नहीं किया जाएगा और आपका समय चलता जाएगा। फॉर एग्जांपल 3 ईयर्स थे, 3 ईयर्स तक आपकी डिसेबिलिटी ख़त्म नहीं हुई, 3 ईयर्स बाद आपकी डिसेबिलिटी ख़त्म हुई, फिर आप ठीक थे, आपका टाइम स्टार्ट हो गया और आप जा ही रहे थे कि आप वापस डिसेबल हो गए, तो फिर आपका जो पीरियड है वो रुकेगा नहीं, वो चलता ही रहेगा। ऐसे में तो लोग 20 20 30 30 साल बनाने लग जाएंगे, ठीक है। फिर आता है लिमिटेड पीरियड। लिमिटेड पीरियड मतलब ये है कि हर सूट के लिए अलग अलग लिमिटेशन एक्ट में लिमिटेड पीरियड दिया हुआ है। जैसे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई केसेस है 3 ईयर्स, मूवेबल प्रॉपर्टी है 3 ईयर्स, डिक्री है, इंस्ट्रूमेंट है 3 ईयर्स, ऐसे ही लास्ट में एक पॉइंट में टिक लगा हुआ है, उसमें जैसे सूट रिलेटेड टू टॉट, टॉट से रिलेटेड है तो 1 ईयर, इमूवेबल प्रॉपर्टी याद करने लायक है 12 ईयर्स, मॉर्टगेज 30 ईयर्स, रिलेटिंग टू ट्रस्ट, ट्रस्ट प्रॉपर्टी ऐसे याद कर सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी कितना है 12, ट्रस्ट में जो प्रॉपर्टी है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसे याद कर लो तो 12। फिर आता है सूट फॉर लीविंग और प्रीमाइसेस टू अपियर, ठीक है। समरी प्रोसीजर से अगर कोई रिलेटेड है तो 10 डेज़ का आपके पास टाइम है, ये भी याद करने लायक है। फिर है कॉम्प्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अगर आपको लिमिटेशन पीरियड कंप्यूट करना है तो आप कैसे करेंगे और उसमें किस किस चीज़ों को एक्सक्लूड किया गया, कौन कौन से टाइम को एक्सक्लूड किया गया, तो ये कौन सेक्शन में, सेक्शन 12 टू 17। ये बोलता है कि लिमिटेशन पीरियड आपका है ड्यू डेट से, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ डेट उसमें एक्सक्लूड की जाती है। जैसे जिस डेट, जो डेट आपकी ड्यू डेट है उस डेट को आप छोड़ दो, तो फर्स्ट पॉइंट यही लिखा है, एक्सक्लूसिव ऑफ द डे ऑन विच द टाइम बिगिंस टू रन। सेकेंड पॉइंट है कि जजमेंट आपको, जब जैसे ही जिस दिन आपको जजमेंट, देखो द डे ऑन विच द जजमेंट वॉज डिलीवर्ड, जिस दिन आपको जजमेंट मिली आप उस दिन को छोड़ दो। थर्ड पॉइंट है इंजंक्शन शैल बी एक्सक्लूडेड। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंजंक्शन पीरियड, फॉर एग्जाम्पल कोलगेट और पेप्सोडेंट में लड़ाई हो गई, पेप्सोडेंट पहले ऐड करता था, कोलगेट जब बच्चा बोलता था तो उसका मुंह को मतलब साइलेंट कर दिया जाता था, तो सूट फाइल हुआ उसमें बताया, उसमें इंजेक्शन दे दिया गया कि आप इस ऐड को अभी आप छुपा के रखेंगे, मतलब ऐड अभी तक मतलब टीवी पे नहीं आएगा, तो इंजेक्शन पीरियड था। ड्यू डेट तो उसके पास स्टार्ट हो गई थी 3 साल की, लेकिन इंजेक्शन दिया गया था 2 से 3 महीने का, तो उस डेट को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो वैसे ही लिखा इंजेक्शन पीरियड को इंक्लूड नहीं करते। फिर है टाइम टेकन टू ऑब्टेन कंसेंट, अगर आप गवर्नमेंट से कंसेंट लेते हैं तो उस डेट को भी हटा दिया जाता है, या फिर जो भी डिफेंडेंट है या प्लेंटिव तो रहेगा इंडिया में, डिफेंडेंट अगर नहीं है इंडिया में तो उस डेट को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। फिर लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेयर सूट इज़ बेस्ड अपॉन फ्रॉड और मिस्टेक ऑफ डिफेंडेंट, अगर डिफेंडेंट की मिस्टेक है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल नॉट बिगन टू रन अनटिल द प्लेंटिव डिस्कवर्ड फ्रॉड और मिस्टेक है, जब तक फ्रॉड और मिस्टेक डिस्कवर नहीं की जाती, जब तक, जब से ये लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। फिर आता है इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। इफेक्ट एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल ए और बी
ए ने बी से पैसे लिए, ड्यू डेट थी 3 साल बाद की, ठीक है, 3 साल हो गए, जहाँ से ड्यू डेट स्टार्ट हुई वहाँ से आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है, आप वहाँ से आने वाले 3 साल तक आप जाके फाइल केस फाइल कर सकते हो अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है ए पैसे देने में। अब हुआ क्या, 3 साल ख़त्म होते होते लास्ट डे पे उसने ए ने एक नया एक्नॉलेजमेंट लिख दिया कि भाई मैं तेरे पैसे आने वाले 3 साल में और आने वाले 3 साल में दूंगा, तो जो आपका लिमिटेशन पीरियड होगा वो उस एक्नॉलेजमेंट डेट से एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, इसमें कोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन बस इसकी कुछ कंडीशन है, जैसे कि ये राइटिंग में होना चाहिए, पार्टी सेम होनी चाहिए, और ये लिमिटेशन पीरियड ख़त्म होने के पहले एक्नॉलेजमेंट बनना चाहिए। फिर वही लिखा है, इफेक्ट ऑफ पार्ट पेमेंट ऑन लिमिटेशन पीरियड, अगर कोई भी पार्ट पेमेंट दे दिया जाता है विद इन अ लिमिटेशन पीरियड तो वहाँ से एक नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट के केस में एक कॉन्ट्रैक्ट था 2 साल का और 1 साल में ही थोड़े से पैसे दे दिए गए, तो वहाँ से फिर से एक नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा 2 साल का। फिर आता है कंटिन्यूअस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लिमिटेशन पीरियड, इफ़ देर इज़ अ कंटिन्यूअस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टॉट फ्रेश लिमिटेशन पीरियड विल स्टार्ट, हर बार एक नया फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा।